पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पीयूष और आज का जो टॉपिक है आपको पता लग ही गया होगा डिस्क्रिप्शन से, दैट आई हैव गॉट अ न्यू हेलमेट। सो वेयर इज इट? बट आई डोंट सी इट एनीवेयर। ओह, हियर इट इज। सो आई हैव गॉट एम्प्टी हेलमेट दैट यू कैन सी हियर एंड आई हैव बॉट अ फुल फेस हेलमेट बिकॉज आई नीडेड इट। आई ऑलरेडी यूज एंड हाफ फेस हेलमेट व्हाइल राइडिंग ऑन माय बुलेट, एक्चुअली थंडरबर्ड 350cc। नाउ आई हैव गॉट दिस फुल फेस हेलमेट and it has so many security, technology, design, quality, comfort, and this helmet has cost me around 8000 rupees approximately, precisely 812850. So kya hum ise unpack karenge aur helmet ko dekhenge ki kaisa hai? Bilkul, yes, I've got it. You can see it on my face. Look at the helmet, how is it looking? This is a full face helmet. इसके बारे में आपको सारी knowledge दूंगा, सारी information दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा that why did I not bought SMK helmet? So guys, actually ये helmet अभी थोड़ा नया है, तो थोड़ा इसको loose होने में time लगता है, 1-2 week। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई helmet लेते हो तो उसमें ये padding आती है, और ये padding almost 3 centimeters की है आप जैसे देख रहे हो। लेकिन ये padding जो भी है ये लूज हो जाती है। देखो ये कितना लूज हो सकती है, ये देखो, ये फोम है, और फोम ऑब्वियसली आप यूज करोगे तो धीरे धीरे वो सिकुड़ता ही है। तो इसलिए आप शुरू में आपको हेलमेट बहुत टाइट लगता है, और धीरे धीरे उसके बाद आप वो आपके हेड पर फिट हो जाता है, और कभी कभी लूज भी हो जाता है। इसलिए बेटर नो विच हेलमेट यू आर बाइंग और विच साइज, यू शुड नॉट बाय अ बिगर साइज हेलमेट। और मैं आपको बताता हूँ दैट वाई डिड आई नॉट बॉट SMK हेलमेट गाइज, बिकॉज मैं जब हेलमेट लेने गया था तो आई हैव ऑलरेडी चोजन वन हेलमेट ऑफ SMK ब्रांड। एंड SMK में टू हेलमेट्स आते हैं, एक तो विदाउट ब्लूटूथ और एक लाइक वैसे तो सारे हेलमेट्स ब्लूटूथ इनेबल्ड होते हैं, लेकिन जो हेलमेट्स ब्लूटूथ इनबिल्ट आते हैं जिनमें स्पीकर और माइक्रोफोन इनबिल्ट होता है, वो वाला हेलमेट इस वक्त कुछ शॉर्टेज था। तो आई हैव डिसाइडेड टू बाय हेलमेट ऑफ SMK एट ए टाइम, और मैंने कलर भी चूज कर लिया था। लेकिन मुझे SMK हेलमेट्स में कुछ ऐसी बातें मुझे लगी जो मुझे लगा कि शायद SMK हेलमेट ना लेना इज अ बेटर चॉइस। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गाइज, आपको पता होगा, सॉरी, आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया का जो सर्टिफाइड हेलमेट है जो ISI से सर्टिफाइड रहते हैं, इसी तरह से अमेरिका में जो हेलमेट्स रहते हैं वो सर्टिफाइड रहते हैं डॉट से, DOT, और यूरोप में जो सर्टिफाइड हेलमेट्स होते हैं वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो EUR है, EUR, यस, दैट इज ECE 22.05। नाउ ये सारे हेलमेट्स हैं जो इम्पोर्ट होते हैं बाहर से, लेकिन SMK हेलमेट्स जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो इंडिया में ही कहीं नॉर्थ इंडिया में अभी बनाए जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर बाय स्टड्स, और स्टड्स उनको कुछ इम्पोर्ट करके कुछ यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करके उसको फिर फाइनली वो रिटेल शॉप्स पर भेज दिए जाते हैं सेल करने के लिए। लेकिन जो SMK हेलमेट्स में मुझे चीज़ लगी जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये लोकल भी हो सकता है, वट इज़ द गारंटी, बिकॉज हेलमेट बाहर से इम्पोर्ट हुआ, उसके बाद स्टड्स ने उस पर एक मार्क लगा दिया, डेट इज़ अ सिंपल चिट, एक छोटी सी चिट लगा दी जिस पर लिखा हुआ है EC सर्टिफाइड हेलमेट, और वो चिट तो किसी आप लोकल हेलमेट पर भी निकाल के लगा सकते हो। व्हाट इज द केस, व्हाट इज द गारंटी कि ये ओरिजिनल हेलमेट है? बट एम्प्टी हेलमेट्स में मैंने जो एक चीज देखी, यहाँ पे पहले से ही प्रिंटेड आया है कि डॉट सर्टिफाइड है एम्प्टी हेलमेट, डॉट सर्टिफाइड है और EC सर्टिफाइड है, बोथ सर्टिफाइड है, मतलब यूरोप में भी ये सर्टिफाइड है और US में भी सर्टिफाइड है। तो ये मुझे एक खास बात लगी। दूसरा, आप एम्प्टी हेलमेट को जब आप फील करोगे ना, आप इसको उठाकर और देखोगे तो आपके इसका पैडिंग और इसको, ये काफ़ी प्रीमियम लगेगा, और ये काफ़ी है प्रीमियम। एम्प्टी हेलमेट्स की जो रेंज है हेलमेट्स की, वो स्टार्ट होती है 4-4600 से, जिसमें से फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिक हेलमेट आता है, और दिस इज द सेकेंड हेलमेट जो है 6250 का। ये मुझे 6250 का पड़ा है, और इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं। ये है सिंपल हमारा वाइजर, उसके बाद ये साइड में एक दे रखा है जिससे हम नीचे कर सकते हैं सन वाइजर, जो आप देख रहे होंगे लाइक दिस। और इस सिंपल वाइजर में ये पिन आई हुई है जहां पर हम फॉग के लिए
एक फिल्म लगा सकते हैं, जैसे कि जो कि एंटी फॉग फिल्म है वो हमें एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है, वो हम लगा सकते हैं। एसएमके में ये फिल्म ऑलरेडी लगी हुई आती है हेलमेट्स में। एसएमके में कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं, लाइक दिस इज द ओनली फीचर दैट इज मोर एज कम्पेयर टू दिस हेलमेट, बट उसकी प्राइस भी एसएमके की कम है, बिकॉज उसकी प्राइस है 4,000 4,300 कुछ ऐसा पड़ता है एसएमके हेलमेट आपको। और ये हेलमेट है मुझे पड़ा है 6250 का, 6,250 का। बट गाइस बिलीव मी, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो एंड बाय सम हेलमेट दैट इज नॉट 100% जेन्यून। और बात जब हेड की हैड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, लाइक ब्रेन है, ब्रेन साउट नहीं होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एम्प्टी हेलमेट, बिकॉज इसके साथ 2 साल की वारंटी आती है, इसकी ये पैडिंग है, ये जो लाइनिंग है, अगर ये कुछ भी निकलता है, जस्ट अ सेकेंड, इस हेलमेट में ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, अगर इस ये भी निकलती है तो वो आपको अंडर वारंटी है, और ये इसके संग 2 साल की वारंटी आती है, और एस एम के हेलमेट के संग वारंटी आती है सिर्फ 1 साल की। और इसके संग जो ये वाइजर है, ये वाइजर भी एंटी स्क्रैच वाइजर है। एसएम के संग जो वाइजर आता है वो एंटी रेजिस्टेंट वाइजर आता है, बट दिस इज एंटी स्क्रैच वाइजर, दैट इज 1+ पॉइंट। और इसका जो मटेरियल है दैट इज ऑल्सो बेटर, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द मटेरियल, बट ये जो मटेरियल है जिससे ये बना है दैट इज ऑल्सो बेटर। सर्टेनली जो एंटी हेलमेट है दैट इज मोर ट्रस्टेबल, इस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं राइड करते वक्त, और सर्टेनली ये हमें ज़्यादा सेफ रखेगा देन एस एम के हेलमेट। सो चॉइस इज योर्स गाइज, विच वन यू वॉन्ट टू गो फॉर, वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर एस एम के हेलमेट और यू वॉन्ट टू गो फॉर एम्प्टी हेलमेट। इसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ जब बात सिर की है तो प्राइस को क्या देखना गाइस, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो, पर सेफ्टी इज वॉट वी आर कंसर्न अबाउट, सेफ्टी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम इट आप LS2 हेलमेट भी ले सकते हो, LS2 हेलमेट भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे एम्प्टी हेलमेट्स थोड़ा और प्रीमियम लगा और काफ़ी अच्छा लगा, और इसके संग वारंटी 2 साल की है, और इसके ग्राफिक्स मुझे पसंद आए, तो आई थॉट लाइक आई वुड गो विद द एम्प्टी हेलमेट। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, इफ़ यू वॉन्ट टू गो विद द एसएम के हेलमेट यू कैन गो विद द एसएम के हेलमेट, इफ़ यू फील कंफर्टेबल इन LS2 हेलमेट गो विद द LS2 हेलमेट। इट्स नॉट लाइक कि एसएम के खराब है या कोई और हेलमेट ठीक नहीं है, बट इट्स अप टू यू। बट सर्टेनली इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आई वुड से टू यू दैट दिस हेलमेट इज सर्टेनली बेटर देन एसएम के हेलमेट, बिकॉज इट इज सर्टिफाइड बाय बोथ डॉट, एज यू कैन सी आई विल शो यू हेयर, इट इज सर्टिफाइड बाय बोथ डॉट एंड ईसी सर्टिफाइड, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ यूरोप, एंड इट इज ऑलरेडी प्रिंटेड हेयर ऑन द हेलमेट, इट इज नॉट लाइक कि कोई स्टिकर आपने चिपका दिया हेलमेट पर। सो दैट इज यस, एंड इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, ये एयर के लिए वेंट दिया हुआ है, फर्स्ट वेंट ये है एंड सेकेंड वेंट ये है एंड थर्ड वेंट बैक साइड में है, दिस इज। सो यस आई फाउंड दिस हेलमेट बेटर एंड दिस इज Thunder 3 MT हेलमेट, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू बाय द सेम हेलमेट Thunder 3, और इसकी रेंज है जो Thunder 3 हेलमेट्स MT हेलमेट में स्टार्ट होते हैं 6,250 से, दैट इज द ओनली प्राइस, आई एम सॉरी। एंड इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स के हेलमेट्स मिल जाएंगे। आई बॉट अ मीडियम साइज हेलमेट। आपको जब भी हेलमेट खरीदना है आप ये जरूर डिसाइड कर लिए कि आप किस साइज़ का हेलमेट लेंगे, अगर आप गलत साइज़ का हेलमेट लेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको ये कैसे पता लगेगा, आप हेलमेट को पहने और पहनने के बाद आप इस तरह से अपने हेड को शेक करें, अगर आपका हेलमेट लेफ्ट राइट जाता है आपके हेड के संग, दैट इज़ बेस्ट, दैट इज़ गुड, मतलब आपका हेलमेट हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका हेलमेट आपके सिर से हिल के इधर उधर हिल रहा है, सिर से हटकर, डेट इज़ अ प्रॉब्लम, मतलब वो आपका हेलमेट आपके लिए फिट नहीं है, यू शुड गो फॉर अ स्मॉलर साइज। आप अपना हेड का साइज भी ले सकते हैं जो 57 से 58 होता है, अगर आपका हेड का साइज बाय इंच टेप, तो दैट इज कम इनटू द मीडियम साइज। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में हेलमेट का जो साइज होता है वो डिफर करता है, तो यू शुड बेटर कंसल्ट विद द सेल्स एग्जीक्यूटिव के मुझे कौन सा साइज आएगा, और मेक श्योर कि आप एक परफेक्ट हेलमेट परफेक्ट साइज ही लें। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता दूं, इस हेलमेट के अंदर है ऑलरेडी म्यूजिक के लिए और स्पीकर और ब्लूटूथ के लिए फिटिंग आया हुआ है इस हेलमेट में। सो ये जो पैडिंग है ये आराम से खुल जाता है, आई वोंट टेक रिस्क बिकॉज मुझे राइड पर जाना है, तो इस समय मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें ये पैडिंग पूरा निकल जाता है और इसमें होल्स बने हुए होते हैं जिसमें आप स्पीकर फिट कर सकते हैं। तो आई हैव बॉट
ASG speaker from the sales executive, and he told me that it comes with 6 months of warranty. So I thought it is good. तो मैंने वो स्पीकर लिए दैट कम्स विद द माइक्रोफोन एज वेल. तो वो इसके अंदर फिट हो चुके हैं और आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, माइक्रोफोन इज हियर और स्पीकर से इन पैडिंग के अंदर कहीं पर फिट हो चुके हैं. सो वाइल आई एम राइटिंग आई कैन लिसन टू म्यूजिक, आई कैन टेक कॉल्स, आई कैन डायल द लास्ट नंबर, आई कैन स्पीक टू पीपल. सो ये कुछ फीचर्स हैं इसके. अगर आप SMK का हेलमेट लेते हैं विथ ऑल दिस फीचर्स इन बिल्ट, तो वो आपको पड़ता है 8300 का. ये विथ ऑल दिस फीचर्स मुझे ये हेलमेट पड़ा है 8250 का. ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट इसमें इनबिल्ट नहीं था, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है. तो इंडिया इज ऑल अबाउट जुगाड़. अगर इंडिया में रहके आपने जुगाड़ करना नहीं सीखा तो क्या करा. तो यही है हमारे हेलमेट की कहानी. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. आपको और कुछ जानना है अगर हेलमेट्स के बारे में, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. आप जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो. इट रियली बूस्ट मी, मोटिवेट्स मी. एंड ये जो हेलमेट है इसमें अभी मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप करना है, तो यहाँ पर मेरा ग्रुप गोप्रो आएगा, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू मोटो ब्लॉगिंग सेटअप इन 2 मिनट्स. एक्चुअली क्या इट्स वेरी सिंपल. सो विद दैट सेट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड हेलमेट की कहानी इज टू बी कंटिन्यूड. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू माउंट अ गोप्रो ऑन योर हेलमेट. एंड तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड सी यू. सी ऑफ, साइनिंग ऑफ. साइनिंग ऑफ, यस दैट्स द करेक्ट वर्ड.